कर्नाटक से एक वीडियो सामने आया है जिसने वहां के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर के दोहरे चरित्र से पर्दा उठाया है। देखिए डिप्टी सीएम साहब की ये पूरी हरकत और फिर सत्ता में बैठे ऐसे नेताओं की जोरदार घंटी बजा दीजिए। ये वही वीडियो है जिसके सामने आने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर की हर तरफ किरकिरी हो रही है। ये देखिए कुछ लोगों के बीच कुर्ते पायजामे में दिख रहे हैं डिप्टी सीएम साहब और उनकी सुरक्षा में तैनात एक गनमैन अपनी रुमाल से उनके पायजामे पर लगी गंदगी को साफ करता नजर आया। यही नहीं, नीचे बैठा दिख रहा यह सुरक्षा कर्मी डिप्टी सीएम परमेश्वर के जूतों पर लगा कीचड़ भी अपनी रुमाल से साफ कर रहा है। ये वीडियो बेंगलुरु का होने का दावा किया जा रहा है, जहां के उलसूर इलाके में डिप्टी सीएम जी परमेश्वर पहुंचे थे। इसी दौरान उनके कपड़ों और जूतों पर कीचड़ लग गया, पर अपने कपड़ों पर लगी गंदगी को डिप्टी सीएम परमेश्वर ने खुद साफ करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने अपने गनमैन को आवाज दी। इशारा पाकर गनमैन ने अपने रुमाल से परमेश्वर के कपड़े और जूतों पर लगी कीचड़ को साफ किया और ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों से नेताओं के ऐसी शर्मनाक सलूक की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम जी परमेश्वर की हरकत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पुलिस वालों के सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें मंत्री जी जब तब करते हैं, लेकिन खुद डिप्टी सीएम परमेश्वर के दिल में अपने सुरक्षा कर्मी और पुलिस वालों के लिए कितनी इज्जत, यह आप इस वीडियो के सामने आने के बाद समझ सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।